व्हाट इज़ ए एडमोब एडमोब बिगनर गाइड 2025। देखो इस वीडियो को बनाने में मैं बहुत देरी कर दिया हूँ, लेकिन ये वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो एडमोब कैसे यूज़ करना है, एडमोब क्या है, गूगल एडमोब में कैसे आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो, कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू बना सकते हो, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे सिर्फ एक ही वीडियो में। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे एडमोब को यूज़ किया जाता है। और एक्चुअल में एडमोब को यूज़ करना ही एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, एडमोब को सिक्योर रखना सबसे बड़ी बात है जो हर कोई नहीं रख पाता है। तो आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो और एडमोब को स्टार्टिंग से यूज़ कर सकते हो, अगर आपको एडमोब के बारे में नहीं पता है कि एडमोब क्या है, कैसे काम करता है, तो इस एक ही वीडियो को देख के पता लग जाएगा। बार बार ही आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग लोगों की, क्योंकि सबकी एडवाइस अलग होती है। वैसे मेरी भी एडवाइस अलग है, क्या पता आप लोग किसी और का वीडियो देख कर आए हो तो आपको उसका थोड़ा सा डिफरेंट लगे। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है हर एक चीज़ को लेकर, बट जो मेरा ओपिनियन है पर्सनली वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अगर आप लोग लास्ट तक बने रहोगे तो आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे एक ही वीडियो में, किस तरीके से एडमोब को यूज़ किया जाता है, एडमोब अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दी जाती है, अर्निंग तो बाद में हो ही जाएगी आपकी, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, एडमोब की पॉलिसी को सिक्योर नहीं रखोगे, तो एडमोब का अर्निंग भी नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो ई बुक्स को पढ़ने में, और अगर आप लोग बिगनर हो बिल्कुल हिंदी में ई बुक्स पढ़ना चाहते हो, जैसे कि एडमोब से कैसे पैसे कमाएं, एंड्रॉइड ऐप कैसे बनाएं, टॉप मतलब कैटेगरीज कौन सी हैं जिसमें हम लोग रैंक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ई बुक्स लिखी है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इन ई बुक को चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कराना चाहते हो, तो अगर अपने एप्लीकेशन को टॉप 10 में ले आना चाहते हो, तो उसमें माई टीम आपकी हेल्प कर सकती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल कोर्स भी बनाया है, तो आप लोग कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, और भाई मैंने ओपन रखा है गूगल एडमोब अकाउंट। ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है और ये किसी हमारे क्लाइंट का अकाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में एक एडमोब अकाउंट एक्चुअल में बनता कैसे है और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अभी के टाइम में बहुत लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि उनका अकाउंट अप्रूव ही नहीं हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है, हमारे को अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो किस तरीके से हमें अप्रूवल मिल सकता है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा। देखो सबसे पहले तो सेटिंग में मैंने सेटिंग ओपन करी है, यहाँ पे जो भी चीज़ें समझाने वाली है वो सारी की सारी सेटिंग में है, और यहाँ पे आपको मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा कि आप लोग यहाँ से ऐप बना सकते हो, यहाँ से ये कर सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत आसान है अगर आप लोग एडमोब अकाउंट बना लेते हो। एडमोब अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले तो देखो आप लोगों को करना क्या है, पर्सनल अकाउंट में जाओगे तो आपका जीमेल आईडी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। उस पर पहले अगर आप लोगों ने कभी भी अपने डिवाइस से एडमोब अकाउंट बनाया था और सस्पेंड हो गया किसी रीज़न की वजह से, तो दोबारा आपको अपने डिवाइस से अकाउंट नहीं बनाना है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं दोबारा अकाउंट बना लूँगा और दोबारा उसे अर्निंग करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी किसी केस में तो आपका अकाउंट ही अप्रूव नहीं होगा, तो इसलिए आपको अकाउंट नहीं क्रिएट करना है बार बार ही सेम डिवाइस से। उसके बाद आपको जो पॉलिसीज़ है, सबसे पहले तो आपको एडमोब की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी कि एडमोब किन किन ऐप्स को अप्रूव करता है और किस किस ऐप को अप्रूव नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे एडमोब पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्शन पे जाओगे तो आपको A to Z सारी यहाँ पे जो भी डिटेल्स है गूगल के ऑफिशियल कम्युनिटी में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअल में किस ऐप को गूगल सपोर्ट करता है, किस ऐप को सपोर्ट नहीं करता है, और कैसे ऐप्स को गूगल इलीगल मानता है। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एडमोब अकाउंट सस्पेंड ना हो, आपका एडमोब अकाउंट हमेशा सिक्योर रहे, तो उस केस में आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट आपको अकाउंट सिक्योर मतलब डिवाइस से बनाना चाहिए, सेकंड आपको पॉलिसी के बारे में पढ़ना चाहिए। अब थर्ड आती है कि भाई एडमोब अकाउंट में एक्चुअल में क्या होता है। देखो एडमोब अकाउंट से आप लोग ऐड क्रिएट कर सकते हो, ऐड यूनिट होती है, एक ऐड यूनिट आईडी क्रिएट करके अपने एप्लीकेशन में लगा सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारे ऐड्स आते हैं। अब उन ऐड्स का पैसा उस ऐप के जो भी डेवलपर होता है उसको मिलता है जिसने इंटीग्रेट करा होता है। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि भाई डाउनलोड के पैसे मिलते हैं, डाउनलोड के पैसे नहीं मिलते हैं भाई, डाउनलोड करके जो आपके ऐप को यूज करेगा उसके पैसे आपको मिलते हैं जो उसमें एड्स वगैरह देखेगा। तो इसलिए आप लोग अगर मन में डाउट चलता है कि भाई क्या डाउनलोड के पैसे मिलते हैं या फिर किस चीज़ के पैसे मिलते हैं, तो अभी से डाउट निकाल दो, क्योंकि डाउनलोड का पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपके डेली एक्टिव यूज़र आपके ऐप में मतलब एक्टिव रहेंगे, और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एक्टिव यूज़र बनाना बहुत मुश्किल है। अगर एक्टिव यूज़र बनाना चाहते हो तो उस केस में आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प चाहिए, जो ऑर्गेनिकली आपके एक्टिव यूज़र बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड ऐप की, यहाँ पे एक ऐप जैसे कि ऐप कनेक्ट करके उसके ऐड यूनिट आईडी बनाने की, तो वो कैसे होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट्स ऐड करना है अपना,
जो भी आप लोग बैंक डिटेल डालोगे कि आपको पेमेंट कहाँ चाहिए। उसके बाद ब्लॉकिंग कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है कि आप लोग किस तरीके के एड्स को ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पब्लिशर डाटा मिल जाता है जो बीटा है, प्राइवेसी एंड मैसेजिंग है। अगर इन फ्यूचर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऐप में आ रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को पॉलिसी सेंटर में ये एरर देखने को मिलता है कि आपके एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आई है, आप लोग इसको रिजॉल्व करो। उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट का सेटिंग मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ फीडबैक का ऑप्शन मिल जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग गूगल एडमोब का एक प्रॉब्लम है जो हेल्प सिस्टम बहुत ख़राब है, क्योंकि इनका रिप्लाई जल्दी आता ही नहीं है। अगर आप लोग इनको कॉन्टैक्ट करोगे तो विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ आप लोग वेट करते रहोगे, लेकिन इनका रिप्लाई आता ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ थोड़ी एडमोब की अच्छी नहीं लगती है। बाकी एडमोब वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे टॉप पे आता है भाई एड नेटवर्क में, चाहे कितने भी एड नेटवर्क के सामने आ जाएं, सारे के सारे फीके हैं, बट एडमोब सबसे टॉप पे आता है और अभी भी टॉप पे है, आने वाले टाइम में भी टॉप पे रहेगा और पीछे भी काफ़ी टॉप पे रहा है। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट अपने ऐप के लिए कैंपेन बना सकते हो, जैसे कि अगर आप लोग प्रमोशन करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप लोग एडमोब के थ्रू ही अपने ऐप का प्रमोट कर सकते हो, आपको अलग से गूगल ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको मीडिएशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो मीडिएशन काफ़ी ट्रेंडिंग में चला था बीच में, लेकिन मीडिएशन आपको करना नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीडिएशन के बहुत नुकसान भी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाता है, जो डेली आप लोग अपने ऐप की रिपोर्ट देख सकते हो, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना CTR आ रहा है, प्लस आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ से यूज़ कर रहे हैं आपके ऐप को, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है ऐप्स की, तो यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आप अगर आपके पास प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन लाइव है तो आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर का लिंक डाल सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन लाइव नहीं है तो आप लोग उसको नो कर सकते हो और बाद में आप लोग ऐप ऐड कर सकते हो।